हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ठाकुर ब्लॉग। आई होप गाइस आप सारे अच्छे ही होंगे। तो यार, आपने जो पिछले वीडियो में सपोर्ट दिखाया ना, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। मुझे पता है कि मैं ज़रा व्लॉग लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो यार उसका एक रीज़न है कि थोड़ा साफ सफाई चालू था घर का, इसके लिए व्लॉग शूट नहीं कर पाया। शॉपिंग के लिए भी मैं गया था लेकिन व्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो यार आई एम रियली सॉरी। तो चलो, अब आज का व्लॉग शूट करने का रीज़न है क्योंकि मैं यहाँ से अभी जाने वाला हूँ मनु देवी। आपको सारे को पता ही होगा कि मनु देवी का जो नेचुरल कितना देखने के लिए अच्छा होता है। तो चलो, वहाँ का भी जो होगा शूट वगैरह वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। आई होप कि वहाँ पे थोड़ा झरने वगैरह पानी बहता हो, अच्छा लगता है। और मैंने ना थोड़ी मन्नत मांगी थी, दिखाऊंगा आपको क्या मन्नत थी, तो वो भी शूट करके दिखाऊंगा। सो अगर चैनल पे कोई नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट दिखाएगा ऐसा ही। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं पहले मनु देवी, आप लोग तब तक कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अब हम आ गए हैं अड़गांव में और ये है मनु देवी संस्थान का ट्रस्ट जिनका यहाँ पे ऑफिस है। अभी यहाँ पे ना हम यहाँ से टर्न लेंगे लेफ्ट, इसके बाद यहाँ पे ना मेरा एक फ्रेंड रहता है विजय महाजन नाम का, लेकिन उस वो यहाँ पे नहीं रहता है, उसके मामा जी का घर यहाँ पे। क्योंकि हम पिछले टाइम जब मनु देवी गए थे ना तो इनके घर रुके थे, जब मैं और मेरे कॉलेज के फ्रेंड गए थे ना तब। ये नहीं है उनके मामा जी का घर, इसके साइड वाला इसके मामा जी का घर ये वाला, राइट। मुझे लगता है अभी हमें यहाँ से ही गाड़ी पार्क करना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है क्योंकि आज से हमें महामंडल की बसेस से जाना पड़ेगा। ये लगी है सब्जी पार्किंग, ठीक है। तो अभी आप पार्क करते हैं। सो गाइस, फाइनली अभी हमने यहाँ पे ना गाड़ी पार्क कर दी हमारी और यहाँ पे लगी है महामंडल की बसेस, ठीक है। तो ये महामंडल की बसेस से आगे जाना होगा क्योंकि ना यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग है ना, इससे मतलब ट्रैफिक वगैरह जाम कर देते हैं ना पहाड़ में, इससे ढलान वगैरह है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, घाटिया का रास्ता ना तो इसके लिए हो जाता है। तो चलो चलते हैं, अभी यहाँ से इनके ही यहाँ थ्रू जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। सो गाइस, अब हम आ गए मनु देवी के अंदर, बस से उतर गए अभी। चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। जय श्री ये भाई है। तो चलो चलते हैं इनका, अभी पहले शॉप का नाम दिखाते हैं भाई। चलो भाई, और इनका शॉप है सातपुड़ा अमृत किले, ठीक है। रिटर्न आके ना तभी आप ही चाय पीएंगे। और ये भाई है, चलो चलते हैं मिलते फिर। तो उसने एकदम से आवाज़ दिया, चलो चलते फिर अभी चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ से भी मन्नत कंप्लीट करना है। बहुत ज़्यादा दुकानें होती है आपकी लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। दुकानें बहुत अच्छी है लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा होता है। हमारे गांव में 20 रुपये का नारियल है, यहाँ पे 30 रुपये का होता है। सो हम यहाँ पे पहले अभी जोत लगाएंगे, उसी के बाद मंदिर की ओर जाएंगे। यहाँ पर एक खड़े हैं किन्नर लोग, इनका आशीर्वाद मैं अभी लूँगा क्योंकि इनका आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे अभी जोत लगा दी है क्योंकि जोत लगाऊंगा तभी ऊपर चढ़ पाएंगे। और मैंने यहाँ पे मेरा लेटर वगैरह रख दिया था, मैंने इसे इसके भगवान के पहले पैर के पास मैंने नमस्कार वगैरह कर लिया। तो अब जाऊँगा।
क्या सील रहा है, नारियल फोड़ने की जगह। हमारा दर्शन स्वच्छ से हो गया है। ये मंदिर मरुदेवी माता का मंदिर है। दुकान वगैरह यहाँ पे ऐसे स्टोर वगैरह लगा यहाँ पे। वाटरफॉल, ये मराठी में धबधबा, हिंदी में क्या बोलते हैं, झरना, झरना बोलते या क्या बोलते हैं। फोड़ लवकर फोड़। बिल लगा रहा है अगरबत्ती वाल्मीकि ऋषि के मंदिर के सामने। मैंने बोला ना इसको कि अभी ये अगरबत्ती वगैरह पे लगा दे, तो इसने बोला कि महर्षि वाल्मीकि जी को लगा के। अच्छा, ऐसे बोला जाता है कि ऊपर मतलब मणदेवी माता जो है ना, तो उनका क्या मैका है, मैका। तो चले यहाँ से अभी ऊपर चढ़ते। जो हमारे कांदेश के लोग हैं ना, वो यहाँ हर साल और बीच में भी आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब ऐसे तैरने के लिए भी अच्छी सी जगह है, तो कपल्स लोग का ज़्यादा विजिटिंग होता है यहाँ पे। चलो अभी चलते हैं ऊपर की दिशा की ओर। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। जो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पे हम जाएंगे। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह है, तो यहाँ पे यहाँ चढ़ने के लिए बहुत ही दिक्कत आती है। तो वैसे में हम तो चढ़ गए थे, फिर तो हम इतना चढ़ के आ गए थे नीचे से, आप देख सकते हो। अब हम जाएंगे इसको हमने पकड़ो। नहीं रे, चल। तो गाइस हम अभी ना ऊपर की दिशा की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे ना मस्त ऐसा पानी वगैरह है, तो चलो चलते हैं। बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। और मंदिर के मतलब मंदिर के ऊपर अगर तुम आओगे ना, तो बहुत अच्छी देखने के लिए जगह, इंजॉय वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे ना बहुत लोग तैरने के लिए भी आते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है, सीखना पड़ेगा। सीख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये देखो अभी जयेश ना, क्या था बोलते तू है, चिंबोरी कोकनी चिंबोरी, मतलब तू चिंबोरी अभी पकड़ रहा है। चलो चलते हैं, अभी देखते हैं इसको पकड़ना आता है या नहीं आता है। ये देखो एक ऐसे ना ढूंढ रहा है चिंबोरी। मैं ऐसा पढ़ना था चिंबोरी मे बी ना, इसको मिल गया है केकड़ा पकड़ेगा आई थिंक। हाँ शो, इसको मिल गया है केकड़ा। पत्थरों के नीचे से निकाल रहा है यार ये जंगली, देखते यार। ये देखो ये निकल गया। ये देखो इसके पीछे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है भाई। मेरी तरफ मत आ, क्योंकि मैं तुझे नहीं पकड़ूंगा। हाँ तिकड़े के अलावा, तो इसने पकड़ लिया यार फाइनली। देखना कहीं काट ना ले। तो इसने पकड़ लिया है केकड़ा। ये बहुत ज़्यादा जंगली इंसान है, मुझे पता नहीं था कि ये जंगली है, लेकिन ये निकला जंगली। वे लकड़ी को पकड़ लेगा, देखते कैसे पकड़ता है यार। केकड़ा बहुत डेंजर होता है, अपने दांतों में पकड़ लेता है कुछ भी। अच्छी बात है। ओके, ये बोल रहा है कि मैं आदिवासी हूँ। अच्छी बात है, आदिवासी बोल। इसने ना ये पकड़ लिया है चिंबोरा, और देखो ये कैसे काटता है ये बाबा, बहुत अच्छा। किस किसने खाया है ना, कमेंट करें मैं बताना, क्योंकि लोग इसकी ना सब्जी करके खाते हैं, तो बताओ। मुंबई साइड में से चिंबोरी बोलते हैं, हमारी तरफ खेकड़ा बोलते हैं, खेकड़ा बोलते हैं। और हमने इसको पकड़ा, उसका पैर है वाकड़ा तिकड़ा, देखो कैसा है। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, नीचे ले जाएंगे उसको, नीचे ले जाएंगे। क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे पकड़ के, नीचे पैर पानी में छोड़ देंगे, क्योंकि वो मरता नहीं है ना, उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो नहीं मरेगा। चलो इसको तो पकड़ लिया फाइनली, इसका है ना टारगेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसका मिशन था पकड़ना। पकड़ा हमने, क्या कहता पता है, हम जब छोटे थे ना, तब हम मंदिर में आए थे, तो हमने ना बहुत मतलब मेरे साथ जो लड़के थे ना, उन्होंने बहुत सारे चिंबोरी पकड़ा था। तो उन्होंने क्या कहता पता है, एक बंद डिब्बे में ना उसको बंद कर दिया था, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिला था, तो ये मर गए थे सारे के सारे, घर लेके गए तो सारे के सारे मर गए थे। लेकिन हम इस बार ये नहीं करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे और नीचे छोड़ देंगे पानी में, क्योंकि इसकी जान लेना अच्छी बात नहीं है। हाँ मैं भी तो इसको यहीं पे छोड़ देते, चलो इसको अभी छोड़ देते यहीं। देखो एक ऐसा इसको, देखो देखो कैसे भाग रहा है, भाग रहा है। ये बोल रहा है मुझे जाने दो, मेरा नाम मतलब देख देख, ये लड़का है बिल्कुल मानता नहीं है। देखो अभी है ना नीचे मतलब झरने की तरफ जा रहा है,
ये बहुत अलग ही इंसान है, मुझे पता नहीं था ये इतना डेंजरस होगा, लेकिन ये थोड़ा सा भी डरता नहीं है। इसके घर वाले वीडियो देखेंगे ना इसको पक्का है ना नेक्स्ट टाइम मेरे साथ कहीं पे भी नहीं आने देंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी नहीं डरता है। अब क्या आने देंगे, अभी मैं ही चला जाऊँगा तो ये नहीं आएगा। इधर देखो एक कपल लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी इन्होंने पूरी जान पहचान निकाल लिया हमारे पास से, क्या करते देखना हो गया आई थिंक इसका कुछ नहीं मिला इसको। चलो चलते अभी यार नीचे, क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज गया। अगर आपको है ना मनु देवी संस्थान का या इस तीर्थ क्षेत्र का इतिहास जानना होगा ना, तो इसका इतिहास ऐसा है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन भगवानों के ऊपर संकट आया था ना, तो वो इन मतलब सातपुड़ा की गुफा में आके ना छुप गए थे। मतलब जो राक्षस था ना उससे मतलब अपनी सुरक्षा करने के लिए वहाँ पे बैठ गए थे। तब यहाँ पे ना मनु देवी जो हमारे श्रीक्षेत्र मनु देवी है वो प्रकट हो गई थी। तो जब मणिदेव को पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस गुहा में छुपा बैठे हैं, तो उसने मनदेवी ने पूछा इनको कि आप यहाँ पे क्यों छुपे हैं। तब उन्होंने बताया कि ना मतलब मनुदेवी माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं को ना वचन दिया कि आप घबराइए मत, जो राक्षस से उसका वध मैं सप्तशृंगी अवतार में आऊँगी और उसका वध करूँगी। मतलब यहाँ से जाके वो जब जहाँ पे शिरागढ़ है ना जलगांव नदी तापी घाट के ऊपर एक शिरागढ़ नाम का गांव है, तो वहाँ पे सप्तशृंगी मंदिर देवी का मंदिर है। तो उस देवी ने उन ब्रह्मा विष्णु महेश तीन भगवंतों को वचन दिया था कि यहाँ से मैं जाऊँगी और वहाँ पे उसके साथ युद्ध करके उसका वध करूँगी। तो यहाँ से दौड़ के शिरागढ़ के रास्ते जब वो गई थी तो वहाँ पे उनका मतलब दोनों का युद्ध चला था। सप्तशृंगी माता मतलब जो मनुदेवी माता थी ना उसने ही सप्तशृंगी माता का अवतार लिया था, और शिरागढ़ी माता सप्तशृंगी जी का जो उन्होंने अवतार धारण किया था शिरागढ़ में, तो वहाँ पे वो प्रकट हो गई। और अभी अगर आप जाओगे ना शिरागढ़ में तो वहाँ पे भी आपको अष्टभुजा श्री मनुदेवी का सप्तशृंगी अवतार में मंदिर स्थापित है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो नहीं रुकी, और भी जो राक्षस थे उनका वध करने के लिए वो पाटना देवी जो 40 गाँव में है ना पाटना देवी वहाँ पे गई, और वहाँ पे उसने अष्टभुजा मनुदेवी का अवतार लिया और वहाँ पे भी उसने राक्षसों का वध किया, ठीक है। तो मुझे जैसे पता था कि मैंने उतना इतिहास आपको बता दिया है, आगे का इतिहास अगर आपको लेना होगा तो गूगल है तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं पहले नीचे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मैंने सोचा कि आप ही बता मतलब बैठ के आपको सब कुछ बता देता हूँ जितना मैंने सर्च किया था। तो चलो चलते हैं नीचे। देखो अभी ये ना यहाँ पे झूला झूल रहा है, क्योंकि ना बचपन में नहीं झूला था, अभी ये झूला झूल रहा है इसलिए झूला झूल रहा है। क्या ही बताओ इसकी महिमा, इसकी महिमा इवन नहीं है। आप इसको कुछ भी काम बोलोगे ना ये ढंग से करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने क्या कहता पता है, रिकॉर्डिंग माइक्स और जो कनेक्टर है वो है ना CSS सेंटर पे छोड़ दिया था, और मैं इस पर गुस्सा हो गया था क्योंकि कोई भी काम इन्हें अच्छे से नहीं करता है। देखो ना बच्चे लोग भी चढ़ते। अच्छा से ऊपर से नीचे भी आ गए, तो अभी चलते हैं नीचे की ओर। मेरा ना एक फ्रेंड मिल गया मुझे वाल्मीकि, तब उसकी मुलाकात करते हैं क्योंकि उसका नंबर मेरे पास नहीं था, उसका नंबर वगैरह लेते हैं। स्टॉल वगैरह अच्छा है लेकिन छोटे बच्चे के लिए बस में, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लाइन लगानी पड़ी कि इधर से उधर ऐसे चक्कर काटने के बाद हम बस बैठ गया महामंडल की बस। यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर बाइक पार्क किया, बाइक के पास जाएंगे वहाँ से सीधा, चलो चलते हैं पहले पार्किंग की। इतना अच्छा लगता है ना जो विंडो की सीट हो और हम बस में हों। अभी आसान से 7 नदियाँ बहती है। इन आंटियों को पता था कि यहाँ से बस जाती है, फिर भी ये पैदल निकल गई थी, और बीच रास्ते में इन्होंने हाथ दिया, उसके बाद ड्राइवर काका ने अपनी गाड़ी रोक ली और उसके बाद इनको भी बिठा लिया गाड़ी में, क्योंकि यार इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। फाइनली हमें ना यहाँ पर ड्रॉप हो गए पार्किंग के लिए, अब चलते हैं हमारी गाड़ी ना बाइक ना ढूंढने पड़ गई, चल मिली भी मिल गई हमारी। ये रही हमारी बाइक और चलते अभी घर की ओर,
क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी इसने बोला था कि यार यहाँ से एक हार वगैरह ले लेते हैं क्योंकि गाड़ी को पहनाना पड़ेगा, तो हार वगैरह भी हमने ले लिया था। तो चलो अब इसको पहना देते हैं पहले। हाँ व्यवस्थित सुरहुल का दस, तो अभी पहना देगा अपने गाड़ी के लिए हार, उसके बाद हम चले जाएंगे घर यार, कि बहुत ज़्यादा थके तो नहीं है लेकिन ये एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इसलिए। तो चलो अभी इसने ना हार पहना दिया है फाइनली, तो अभी निकलते घर के लिए यार, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। ए भाई थोड़ा कम तब। ऐसे ही घर आ गया हमारा, कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था इसलिए ब्लॉग एंड नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार कल, तो मन भी नहीं हो रहा था। आई होप आप सबने वीडियो अच्छे से इंजॉय किया होगा, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहेगा। और अपने चैनल पे कोई नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए, बाय।